गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक रेटोरिक एंड प्रोसोडी प्रैक्टिकल क्रिटिसिस। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिस, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Before going or before moving to the practical criticism, first of all we have to know what the meaning criticism is. जो आपका ये word है criticism, इसका meaning क्या होता है? Basically criticism होता क्या है? If I talk about the word criticism, it is taken from the Greek word kritikos, which means to judge. According to Aristotle, criticism is a standard of judging well. जो ये आपका वर्ड है criticism, ये ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू जज, मीन्स किसी भी वर्क को या किसी चीज को जज करना। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म जिसको हिंदी में हम आलोचना कहते हैं, आलोचना से मतलब हम जब भी ये वर्ड सुनते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि शायद हम किसी की बुराई कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्रिटिसिज्म का मतलब किसी की बुराई करना नहीं है, सिर्फ उसको जज करना है, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, क्वालिटी और डिसक्वालिटी जो भी हैं, हम लोगों को सिर्फ उनके बेसिस पे किसी भी चीज को जज करना होता है। सेम थिंग इज ऑल्सो अप्लाई टू द वर्क्स ऑफ लिटरेचर। जब हम किसी वर्क की क्रिटिसिज्म करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें मेरिट्स डिमेरिट्स को हम फाइंड आउट करते हैं, कि उसका आर्ट कैसा है, स्टाइल कैसा है, लैंग्वेज क्या है, थीम्स कैसी है ना, तो ये सब चीजों के बेस पे हम उसको एक कंप्लीट एक तरह से एनालाइज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने भी कहा है क्रिटिसिज्म इज ए स्टैंडर्ड ऑफ जजिंग वेल, मीन्स क्रिटिसिज्म जो है वो एक तरह से एक स्टैंडर्ड है किसी चीज को जज करने का, किसी चीज को अच्छे से जज करने का। तो जब आप किसी चीज को जज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, वो आपका क्रिटिसिज्म कहलाता है, मींस तब आप एक क्रिटिक की तरह वर्क करते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिटिसिज्म। अब आइए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है। बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। द टर्म originates with the experiment performed on Cambridge literature students by I.A. Richards. The students were given a selection of poems to read and comment on, but they were not given the titles of the poems, nor were they told anything about who the authors of the poems were. जो ये आपका term है practical criticism, ये originate हुआ है कैम्ब्रिज लिटरेचर स्टूडेंट्स I.A. Richards के द्वारा। जो I.A. Richards हैं, उन्होंने ये टर्म फाइंड आउट किया आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है बेसिकली, ये I.A. Richards ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने स्टूडेंट्स पे, वहां से ये शुरू हुआ है। I.A. Richards ने अपने स्टूडेंट्स को एक सिलेक्शन ऑफ पोएम, एक तरीके से एक पोएम दिया और उनको एक कंप्लीट एनालाइज करने के लिए उसको बोला। I.A. Richards ने अपने जो उनके स्टूडेंट्स थे बेसिकली, उनको उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, और दो ग्रुप में डिवाइड करके उनको एक ग्रुप को उन्होंने पूरा कंप्लीट उसका बायोग्राफिकल, सोशोलॉजिकल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो भी था जिस एज में वो वर्क लिखा गया है वो सारी इंफॉर्मेशन दी। दूसरे ग्रुप को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिया, एंड दोनों ग्रुप को उन्होंने बोला कि आपको इस टेक्स्ट का एक कंप्लीट एनालिसिस करना है, एंड द रिजल्ट वो वेरी शॉकिंग। जब I.A. Richards ने देखा कि जो स्टूडेंट जिनको उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था अबाउट द ऑथर, अबाउट द एज इन विच द टेक्स्ट हैज बीन रिटन, द रिजल्ट वॉज वेरी शॉकिंग, बिकॉज जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट ओनली, दे फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टेक्स्ट, द थीम, द सब्जेक्ट मैटर, द एज, द ऑथर, द एवरीथिंग रिलेटेड टू द टेक्स्ट। सो इट मीन्स इट इज कंसिडर्ड बाय I.A. Richards दैट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज बेसिकली अ टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म
जहाँ पे आपको किसी भी ऑथर के बारे में, आपको उसके सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के आपको कुछ नहीं पता है, जस्ट आपको सिर्फ टेक्स्ट पता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट आपको एक पोएम को, एक एक जो भी आपका वर्क है, आपको एनालाइज करना है, उसका कंप्लीट एक एक क्रिटिकल एनालिसिस आपको देना है। तो ये था आई ए रिचर्ड्स का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स पे किया था, और इसी आइडिया को, इसी जो उनका जो भी ये रिजल्ट फाइंड आउट था, जो भी उनका हुआ था, उस इसी आइडिया को उन्होंने आगे नाम दिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो उन्होंने अपनी बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट दैट वाज पब्लिश इन 1929, इस बुक में उन्होंने अपने इस कंसेप्ट को दिया। आगे जाके यही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। द आइडिया वॉज दैट द स्टूडेंट्स शुड जज द टेक्स्ट बिफोर देम सोलली बेस्ड ऑन वॉट दे हैड इन फ्रंट ऑफ देम। यानी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो टेक्स्ट दिया गया था, वो टेक्स्ट के बेस पे ही उनको एनालाइज करना था। रिचर्ड्स वॉज अमेज्ड एट हाउ पुअरली इन हिज व्यू द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एंड कंक्लूडेड दैट वॉट वॉज नीडेड वॉज मोर प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन इन द आर्ट ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट। द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, रिचर्ड्स बैकग्राउंड वॉज इन फैक्ट इन साइकोलॉजी, आर रिटन अप इन द अप्रोप्रिएटली टाइटल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट एंड इट वॉज केम आउट इन 1929 विच बिकेम अ काइंड ऑफ हैंडबुक फॉर द डिसिप्लिन ऑफ लिटरेरी स्टडीज एंड हैड एन इनॉर्मस इन्फ्लुएंस। तो ये आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और यही आइडिया आगे जाके बहुत सारे राइटर्स आते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है, जब आप किसी टेक्स्ट को टेक्स्ट के बेस पे ही एनालाइज करते हैं, आपको ना तो ऑथर का इंटेंशन पता है, ना उसका बैकग्राउंड पता है, ना उसका सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस एज का जिसमें टेक्स्ट लिखा गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट आपको जो एक कंप्लीट एनालिसिस जो है, एक कंप्लीट जो जजमेंट अपना देना है, वो सिर्फ टेक्स्ट के बेस पे देना है। इट मीन्स दैट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल मीन्स यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव नो इंटेंशन अबाउट द ऑथर, अबाउट द एज, अबाउट द एनी टाइप ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट। नो, यू डोंट हैव एनी कंसर्न फॉर एनी थिंग, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द टेक्स्ट ओनली। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू मेक ए कंप्लीट जजमेंट अबाउट द टेक्स्ट। सो दैट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आगे देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। की पॉइंट्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑल्सो कॉल्ड अप्लाइड क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ ए पोएम और प्रोज पैसेज। जो आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, इसको हम अप्लाइड क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को एक तरह से अप्लाइड क्रिटिसिज्म की तरह यूज करते हैं। अब नेक्स्ट इज व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो व्हाट पॉइंट्स वी हैव टू फोकस ऑन, तो वो है आपके फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, एनालिसिस ऑफ द गिवन पोएम और प्रोज पैसेज विद रेस्पेक्ट टू इट्स। मीन्स अगर आप कोई पोएम या कोई पैसेज जो भी आप अप्लाई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट क्या है उस पोएम का। मीन्स आपको सबसे पहले क्लोज रीडिंग करना है टेक्स्ट का, फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंटेंट कैसा है उसका, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम कैसा है, टोन ऑफ द पोएम कैसा है। मीन्स आफ्टर रीडिंग द पोएम व्हाट यू फील अबाउट द टेक्स्ट, इमेजरी क्या यूज की गई है उसमें, वर्बल फेलिसिटी क्या है, मीन्स आयरनी है जो भी, वट एवर द टाइप ऑफ टेक्निक बेसिकली क्या यूज हुआ है उसमें, रिदम मीटर देखने हैं कौन से मीटर यूज हुए हैं उसमें, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज हुए हैं। तो बेसिकली आपको सारे जितने भी हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे फोकस करना है। व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑन द टेक्स्ट, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस दैट यूज इन ए पर्टिकुलर पोएम। तो ये चीजें आपको देखना है, ये चीजें आपको एनालाइज करना है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स, दीज थिंग्स, यू हैव टू एनालाइज द टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका की
पॉइंट्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज, जो आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज में इसके की पॉइंट्स क्या हैं। जैसे सबसे पहले प्रैक्टिकल क्रिटिसिज इम्फेसाइज एक्सप्लिकेशन और क्लोज रीडिंग ऑफ द वर्क इटसेल्फ, मींस आपको टेक्स्ट का क्लोज रीडिंग करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑन अ टेक्स्ट, यू हैव टू मेक अ क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिजेक्ट्स अटेंशन टू बायोग्राफिकल एंड सोशियोलॉजिकल मैटर्स। एज आई टोल्ड यू कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता है, इसमें राइटर की बायोग्राफी क्या है, उसके सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपको उन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ टेक्स्ट आइडियाज एंड इट्स फॉर्म, बिटवीन व्हाट अ टेक्स्ट सेज एंड द वे इट सेज इट। मीन्स आपको ये चीज देखना है कि जो टेक्स्ट है उसमें क्या मॉरल मैसेज छुपा हुआ है, ये क्या आइडिया कन्वे कर रहा है, और जो आइडिया, जो थीम राइटर ने उसमें दिखाने की कोशिश की है, वो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इट अटेम्प्ट्स टू बी ए साइंस ऑफ लिटरेचर विथ ए टेक्निकल वोकैब। मीन्स आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आप अप्लाई कर रहे हो, तो इट मीन्स लाइक यू आर गोइंग टू मेक अ साइंटिफिक स्टडी बेसिकली, बिकॉज आप कुछ पॉइंट्स के बेस पे आप टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये एक तरह से उसकी टेक्निकल वोकैब, मीन्स क्या मीटर यूज हुआ है, टेक्निक क्या है, डिक्शन क्या है, उसकी लैंग्वेज कैसी है टेक्स्ट की, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इट एसर्ट्स दैट द गोल ऑफ लिटरेचर इज नॉट द परस्यूट ऑफ सिंसैरिटी और ऑथेंटिसिटी, बट सबटैलिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट नॉट द ऑथर। मीन्स जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, ये दिखाता है कि जो लिटरेचर का जो गोल है, जो एम है, दैट इज नॉट द ऑथेंटिसिटी और सिंसैरिटी ऑफ द ऑथर, बट द सबटैलिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। मीन्स जो जब आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अप्लाई करते हैं, तो ये दिखाता है कि जो लिटरेचर है उसमें सब कुछ है, ऑथर क्या है, ऑथर की इंटेंशन क्या थी, क्या उसके मन में आइडियाज चल रहे थे जब उसने टेक्स्ट लिखा है, इन चीजों को आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको उनके लिए कोई कंसर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना है, टेक्स्ट को ध्यान में रख के आपको एनालाइज करना है, एक कंप्लीट एनालिसिस आपको अपना देना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, इट फंक्शंस अंडर द अजम्पशन दैट द वर्क इज नॉट द ऑथर, इट वॉज डिटैच एट बर्थ। यानी जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, ये आपका जो ये अजम्पशन होता है कि जो ऑथर है, जो वर्क है, वो ऑथर का अपना, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि द वर्क इज द चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ द ऑथर, ये माना जाता है कि जो वर्क होता है वो ऑथर की एज का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये इस अजम्पशन को भी जो है वो नकारता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो वर्क है वो उसमें अपनी क्वालिटी होती है, उसमें अपने ही पॉइंट्स होते हैं, राइटर से उसका कोई मैटर नहीं होता। इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज अ टेक्स्ट, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव। द ऑथर इंटेंशंस आर नीदर अवेलेबल नॉर डिजायरेबल अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल क्रिटिक्स। जो ऑथर की इंटेंशन है, ना तो उसकी जरूरत है और ना ही आपको उसको ध्यान में रखना है, नॉर इवन टू बी टेकन एट फेस वैल्यू व्हेन सपोजली फाउंड एट डायरेक्ट स्टेटमेंट बाय ऑथर, मीनिंग एग्जिस्ट ऑन द पेज एंड ऑन द पेज ओनली। मीन्स एवरीथिंग इज ओनली ऑन द पेज ऑफ द टेक्स्ट, द लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट एंड ओनली ऑन इन द टेक्स्ट ओनली। मीन्स जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपको देखना है, वो सब कुछ टेक्स्ट में ही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट स्टडी करना है। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म कहता है कि आपको किसी भी टेक्स्ट को एनालिसिस करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, और उसके राइटर के बारे में, उसकी एज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोज रीडिंग करना है टेक्स्ट का, एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द टेक्स्ट। सो दिस इज द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म गिवन बाय I.A. रिचर्ड्स। तो आज की इस ऑडियो लेक्चर में हमने पढ़ा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बेसिकली इसका बैकग्राउंड,
definition and key points. And in the very next audio lecture, in part 2, we will discuss the theory application of practical criticism on a particular text. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आई होप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है आपको समझ में आ गया होगा. सो रीड इट केयरफुली. थैंक यू.